प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, मुस्कान ऐसी जिसे देखते ही सभी को मुस्कुराने का मन करे, और जो बिखेरते हैं सभी घरों में कुछ रंग प्यार के। आइए आज सुनाएं आपको आपके फेवरेट शहीर शेख की कहानी। शहीर का जन्म हुआ 26 मार्च 1984 में बढ़ेरवा नाम के डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू में सिचुएटेड है। शहीर की मॉम एक हाउसवाइफ है और उनके डैड एक इंजीनियर थे। बचपन से ही शहीर को नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने का शौक था और उन्हें सब कुछ करना था। तभी तो हरि सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आ गए महाराष्ट्र पुणे में अपना ग्रेजुएशन लॉ में करने, न्यू लॉ कॉलेज भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। वैसे शहीर के कुछ राज बताएं आपको। शहीर को उनके घर वाले प्यार से समीर के नाम से पुकारते हैं और शहीर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। काफी यंगस्टर्स की तरह इन्हें भी मॉडलिंग का कीड़ा काटा था, तो एक्टर बनने से पहले शहीर ने मॉडलिंग की। सिर्फ इतना ही नहीं, शहीर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के भी मालिक है और साथ ही बेहद अच्छी फोटोग्राफी भी करते हैं। शहीर का मानना है कि वो बहुत ही सिंपल और बोरिंग लड़के हैं, और उनका ये भी मानना है कि उन्हें किसी एक चीज में अटक के रहना बिल्कुल पसंद नहीं, और इसीलिए वो हर एक चीज करना चाहते हैं। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई टेलीविजन सीरीज सानिया से साल 2008 में, जहां उन्होंने अर्जुन शेखावत का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन उन्हें पहचान मिली शो क्या मस्त है लाइफ से, जो साल 2009 में आया था, जिसमें उन्होंने वीर मेहरा का रोल प्ले किया था। इसके बाद शहीर दिखे झांसी की रानी साल 2010 में, जहां वो नाना साहिब का रोल प्ले कर रहे थे। फिर आया उनके करियर का पाथ ब्रेकिंग सीरियल नव्या साल 2011 में, जिसमें अनंत के रोल को प्ले करने के बाद शहीर सबके दिलों में बस गए थे। लेकिन क्या आपको पता है, शहीर काफी डाउटफुल थे नव्या के बाद अपने एक्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए। उनका इंटरेस्ट था डायरेक्शन और एडिटिंग में, और अगर उन्हें छोटे पर्दे पर कुछ काम करना था तो वो था किसी डांस रियलिटी शो में हिस्सा लेना, क्योंकि वो एक ट्रेन डांसर है। नव्या के साथ साथ शहीद ने डिज्नी चैनल के शो बेस्ट ऑफ लक निकी में भी काम किया। फिर 2013 में उन्होंने महाभारता में अर्जुना का रोल प्ले किया। उसके बाद शहीद ने इंडोनेशिया में भी काफी काम किया, जैसे वहां का रियलिटी शो पना अस्मरा अर्जुना होस्ट किया था। 2015 में उन्होंने टेलीविजन टैलेंट शो एशियाज गॉट टैलेंट को होस्ट किया, और फिर इसी साल शहीर टॉप 50 सेक्सिएस्ट एशियन मेन की लिस्ट में भी शामिल हो गए। और फिर साल 2016 में वो बन गए आप सभी के प्यारे देव फ्रॉम कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। शहीर शायद उन चंद एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में इतने एक्सपेरिमेंट्स किए अपने रोल्स के साथ। इसी दौरान शहीर को एक लीड रोल मिल गया एक रोमांटिक कॉमेडी इंडोनेशियन फिल्म टूरिस्ट रोमांटिस में। ये एक हिस्टोरिकल फिल्म है जिसके हेक्टिक शूट शेड्यूल की वजह से उन्हें इंडिया और इंडोनेशिया के बीच काफी भागदौड़ करना पड़ता था। शहीर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में एक एक्शन कॉमेडी जॉनर वाली वेब सीरीज प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शहीर फैंस अब हो जाइए तैयार, क्योंकि शहीर आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। शहीर ने काफी अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जैसे इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, ग्रेट फेस ऑफ द ईयर मेल साल 2014 में फेवरेट नया सदस्य, एशिया विजन अवार्ड स्टार ऑफ द ईयर, इंडिया न्यूज अवार्ड्स बेस्ट जोड़ी, लायंस गोल्ड अवार्ड्स बेस्ट जोड़ी। एक बात अक्सर मानी जाती है कि अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो तो आपका नाम किसी ना किसी के साथ हमेशा जोड़ा जाता है, और वैसा ही कुछ शहीर के साथ भी हुआ। इनके रिलेशनशिप्स की खबरें तो कई हैं, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है वो तो शायद सिर्फ शहीर ही बता सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री में अगर शहीर की सबसे पहली कोई अच्छी दोस्त बनी हो तो वो थी सना अमीन शेख। शहीर के मुताबिक एक लड़की में वो एक इंटेलिजेंस की तलाश करते हैं। शहीर की सबसे पहले अफेयर की खबरें आई थी स्माइली सूरी के साथ,
जिन्हें आपने कलयुग फिल्म में कुणाल खेमू के साथ देखा था, लेकिन इसे रिलेशनशिप का नाम कभी नहीं दिया शहीद ने। उनका कहना था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके दोस्तों का कुछ और ही कहना था। कहा जाता है कि उन दोनों ने क्रिसमस पार्टी में गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया था, एंड दे वर पेंटिंग द टाउन रेड। सबको उस दिन का इंतजार था जब शहीद स्माइली के साथ अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे, लेकिन चीजें उस दिशा में गई नहीं। महाभारत के खत्म होने के बाद शहीद चले गए थे इंडोनेशिया, वहाँ काम करने, जहाँ उनके एक शो की शूटिंग में उनकी मुलाकात हुई आयु टिंग टिंग से, और फिर शहीद डेट करने लगे आयु को, जो एक इंडोनेशियन सिंगर आयु रोजमालिना के नाम से फेमस थी। आयु एक डिवोर्सी थी और उनका एक बच्चा भी है, पर ये मामला भी कुछ जमा नहीं और उनका ब्रेकअप हो गया 4 महीने में ही। इस ब्रेकअप का जिम्मेदार शहीद कम्युनिकेशन गैप को मानते हैं। उनका मानना था कि भले ही उन्हें इंडोनेशियन लैंग्वेज आती थी और आयु को इंग्लिश आती थी, लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए, और साथ ही उनके बीच ये भी इश्यूज होने लगे कि दोनों सेटल किस देश में होंगे। अगर आयु के साइड की स्टोरी पर ध्यान दे तो उसके हिसाब से आयु एक ऐसा इंसान चाहती थी जो उनको और उनकी बेबी को सहारा दे शादी करके, मगर जब शहीद से उन्हें वो उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने इस रिलेशनशिप का अंत कर दिया। और फिर साल 2016 में ऐसी खबरें आने लगी कि शहीद डेट कर रहे हैं अपनी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी को स्टार सोनाक्षी मतलब एरिका फर्नांडिस को। लेकिन हमेशा की तरह शहीद ने इस रिलेशनशिप की खबरों को भी झुठलाते हुए ये कहा कि वो और एरिका अच्छे दोस्त हैं और उन्हें एक दूसरे का साथ काफी पसंद है, इसीलिए वो दोनों सेट पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वेल, एरिका का भी कुछ ऐसा ही कहना है इस बारे में, बट कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती। एरिका और शहीद का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। सीरियल के 1 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के आसपास ऐसी खबरें आई कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ है, लेकिन एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान दोनों को एक साथ हंसी खुशी केक कट करते हुए देख और एक दूसरे को केक खिलाते हुए देख उन्होंने सारे रूमर्स का दी एंड कर दिया, और कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सिर्फ खुशी के रंग खिल रहे हैं।